हाय फ्रेंड, बिपिन सर ने इसी पत्रकार को बबली और पगली कहा है। आप देख सकते हैं कि बिपिन सर इस ईंट वाले सीन को अपने वीडियो में दिखा रहे हैं, और इसी सीन को दिखाते हुए बिपिन सर ने इस पत्रकार को बबली और पगली कहा है। आखिर क्यों? आखिर उसने इसमें ऐसा क्या दिखाया था जिसे देखकर बिपिन सर ने इन्हें बबली और पगली कह दिया? तो आइए देखते हैं सबसे पहले आर्यन न्यूज़ की इस वीडियो क्लिप को जिसमें वे ईंट का सीन दिखा रही थी। देखिए देखिए ये ईटा देखिए, ये ईट देखिए, कोई बढ़िया इंजीनियर इस ईट को अपने काम में इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन देखिए बिपिन सर अपने गांव के पंचायत भवन को रिपेयर करने के लिए इस ईट का प्रयोग कर रहे हैं। इतना खराब ईट है कि क्या बताएं। मतलब बिपिन सर अपने गांव की जनता, मासूम जनता, ग्रामीण लोगों को बेवकूफ बना रहे। देखिए इस ईंट से इस सामुदायिक भवन को रिपेयर किया जा रहा है विकास के नाम पर। देखिए विकास के नाम पर इस ईंट का प्रयोग हो रहा है। मतलब क्या बोले बिपिन सर आपको, क्या बोले? मतलब आप तो ऐसा नहीं कीजिए। यहाँ पर बिहार के इतने गांव हैं और इतने गांव के मुखिया बेवकूफ बनाते हैं अपने गांव के लोगों को, लेकिन आप तो नहीं कीजिए, आप शिक्षक हैं। दोस्तों, तो ध्यान से देखिए आप इस भवन को, और इस भवन के आप निचले हिस्से में देख सकते हैं कि ईंटें बिछी हुई है, और ये भवन बिपिन सर के द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जब घर बनता है तो उसके निचले हिस्से में ईंट बिछाई जाती है, उसके बाद उसके ऊपर पलस्तरा किया जाता है जिससे भवन की मजबूती बनी रही। और ये जो ईंट दिख रहा है इसे हमारी भाषा में झामा ईंट कहा जाता है, और यह सबसे मजबूत ईंट होता है जिसे ज़मीन के नीचे बिछाया जाता है जिससे कि ज़मीन का निचला हिस्सा मजबूत रहे। दोस्तों, यदि आप बिपिन सर के स्थान पे होते तो इस पत्रकार को इस पत्रकारिता के लिए क्या कहते, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।